पता नहीं क्यों आज आपने इस कार्यक्रम के लिए जो बहुमूल्य समय दिया उसके मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है दिल्ली से चलकर केवल सुभाष भैया के कहने से निवेदन करने से हम सब की बहुत इच्छा थी आप यहाँ आए हम सबके बीच में अपना शुभकामनाएं मनीष भाई जी सारे पार्षद सब दो मिनट मौर्या कहाँ है किचन में मैम लगभग एक साल का कार्यकाल आपका यहाँ पे हो गया है, छत्तीसगढ़ में कुल कितना विधानसभा आपने विजिट किया और क्या क्या कार्य जो आपके सांसद निधि से वो हुए हैं? देखिए मेरा फंड जो आया था लगभग 2.5 करोड़ आया था और अभी यहाँ से ऑडिट नहीं किया है और मेरा 2.5 करोड़ हेलो
ये थोड़ा सा हल्का साइड में सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण वहाँ भी उपस्थित थे। उसके पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ता का भारतीय भेंट मुलाकात का ढाई करोड़ खर्च हो चुका है। कई MLA है जिन्होंने लिया यहाँ पे, अभी BCC का किया, तो जहाँ पे जिस तरह की जरूरत होती है उसमें BCC रोड भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, किसी ने कुआं खुदवाने का काम किया है, किसी ने सामुदायिक भवन का काम किया। तो अब जैसे और राशि आएगी हम लोग वो काम करेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, मैंने बस्तर का दौरा किया था, रायपुर का आसपास का किया है, और आज मैं भिलाई में हूँ, और अब चुनाव है, तो जो एरिया हमको जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। अभी विद इन 1 ईयर में मैं 3-4 बार आई, महाधिवेशन में आए थे, उससे पहले बस्तर के दौरे पे आए थे, और राज्यसभा और एक स्पोक पर्सन और सेक्रेटरी होने के नाते अभी 15-20 दिन कर्नाटक में थे। तो ये जैसे ड्यूटी पार्टी लगाती है आगामी 4 राज्यों में, जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं और उसका आधार क्या होगा? देखिए, आधार मध्य प्रदेश में मामा जी है, शिवराज चौहान साहब का जो करप्शन है जो वहाँ पे चल रहा है, हम गारंटी के कार से कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे CM साहब का काम है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रूरल एरियाज के लिए, जो गौमूत्र की योजना है, गोदान की योजना है, MSP की योजना है, आंगनबाड़ी की योजना है, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि उनका लोगों के बीच में जाना, कम्युनिकेट करना। मैं ये नहीं कह रही कि हर मुख्यमंत्री 100% काम कर पाता है, लेकिन लोगों को फेस करना, उसके बीच में जाना और उनको आश्वस्त करना, लगातार उनके लिए काम करना, ये चीज हमें छत्तीसगढ़ में भी वापस लेकर 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी सरकार, 9 साल बेमिसाल केंद्र की भाजपा सरकार, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 9 साल बेमिसाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो उपलब्धियां पूर्ण बताने को लेकर अडवाणी जी भी आ रहे हैं, मान लीजिए अडवाणी जी बोल रहा हूँ, अमित शाह भी आ रहे हैं, 9 साल बेमिसाल बताने को लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सवाल का जवाब भी आपने दिया, अडवाणी जी कहाँ चले गए, मुनीर मनोहर जोशी जी कहाँ चले गए, 9 साल बेमिसाल की जगह भाजपा भारतीय जुमला पार्टी, ये कांग्रेस का कहना है और पूरा देश कह रहा है। ये 9 साल का जो कच्चा चिट्ठा है और जो उनकी चार्जशीट है वो हम लोग लगातार पूरे प्रदेशों में लेके जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल कर्नाटक ने दिखाया, जो 40% करप्शन था लोगों ने उनको समझा, जो 5 गारंटी हम लोगों ने दी लोगों ने उसको समझा, हम लगातार नोटबंदी हो, काला धन हो, 15 लाख देने की बात हो, महंगाई की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आज जिस तरह का महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं 3-4 महीने से, और उनका जो चेयरमैन है, जो सांसद है, वो खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम कह रहा है कि पॉक्सो का कानून ही हट जाना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही है, ये पूरा देश देख रहा है, और इसका जवाब उनको ये 9 साल के जो क्रियाकलाप है कि महिला कितनी सुरक्षित है, आप खुद सोचिए कि एक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जब सुरक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट को हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट की है, तो कौन सी महिला और बच्चियों को आप सुरक्षा दे पाएंगे? तो क्या यह देश देख नहीं रहा? मैडम, छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की रेड हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग कह रहे हैं कि आप लगातार रेड कीजिए, हम लोग कानूनी कार्रवाई को सह रहे हैं और सहेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 2014 से जितनी भी ईडी CBI IT की रेट पड़ी है वो 99.9% सिर्फ विपक्ष को पड़ी है। अगर विपक्ष में से 2 लोग जिन पर CBI का छापा पड़ा है अगर वो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो वो उनकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन होके आ जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ये वैसे लोग हैं जब राहुल गांधी जी को 60 घंटे
ईडी की पूछताछ की है, मैडम सोनिया गांधी जी को की है, तो हम सब उस कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन जनता देख रही है मैडम।